गया है, कुछ खो गया जिंदगी में। यूं ही कभी कुछ मिल गया है, कुछ खो गया जिंदगी में। अक्सर बने हैं अपने पराए, अक्सर ये देखा गया है। चाहत मिले अजनबी में, यूं ही कभी कुछ मिल गया है, कुछ खो गया जिंदगी में। सोचते हैं जो चाहते हैं, ऐसा अगर काश होता। दामन में होते ये चांद तारे, बाहों में आकाश होता। हर पल नई उम्मीदें, चुराए सबकी नींदें। यूं ही कभी गया है, कुछ खो गया जिंदगी में। अक्सर बने हैं अपने पराए, अक्सर ये देखा गया है। चाहत मिले अजनबी में, यूं ही कभी। सभी को खुशियों के ही फूल बांटे हर बार, लेकिन हमको मिले हैं फूलों के बदले ये कांटे। जब भी किया भला है हमको मिली सजा है। यूं ही कभी कुछ मिल गया है, कुछ खो गया जिंदगी में, कुछ मिल गया जिंदगी में, कुछ खो गया जिंदगी में। I'm so happy today. क्यों? क्या हुआ? लॉटरी मिल गई क्या? तुम मिल गए। अरे मैं तो मिला हुआ ही था। अरे बुद्धू, हाँ? मैंने डैडी से तुम्हारे बारे में बात की और उन्होंने कहा उन्हें शादी मंजूर है। अच्छा, मुझे देखे बिना ही उन्होंने हाँ कर दी? इतना भरोसा है उनको मुझ पर? अच्छा है, अच्छा है। लेकिन पापा कह रहे थे तुम अकेले रहते हो, क्यों नहीं हमारे साथ ही रह लेते? लेकिन मैंने कह दिया बिल्कुल नहीं, अमर कभी घर जवाई नहीं बनेगा। मैं बहुत अच्छी हूँ ना? बहुत अच्छी हूँ। एक थम्स अप। यस सर। लेकिन तुम बहुत बुरे हो। मैं? क्यों? लड़के लड़कियों का इंतजार करते हैं और तुम हमेशा मुझे इंतजार कराते हो। अरे भाई, रास्ते में एक आदमी की कार का टायर पंचर हो गया था। और ये महाशय उसकी मदद करने रुक गए होंगे, क्यों? ये नहीं सोचा कि वहाँ पूजा अकेली बैठी होगी। अगर उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है तो तुम क्या कर सकते हो? बना के देते थे क्या? ये बात नहीं है, मैंने उसे कहा मेरी स्टेपनी ले लो और आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ जाके अपना पंचर ठीकवा लो और मेरी स्टेपनी दे देना। बस उसी में थोड़ी देर हो गई। तुम्हारी उस फर्टीचर कार में स्पेयर टायर है क्या? था, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो टायर चढ़ा के भाग गया। भाग गया? कहाँ भाग गया? पता नहीं, जब तक मैं गाड़ी में बैठ के टर्न लिया वो चला गया। तुम्हारी स्टेपनी लेके भाग गया? तुमने नंबर लिया उसका? मैंने देखा ही नहीं। देखा नहीं?
वो तुम्हारी स्टेपनी लेके भाग गया और तुमने देखा नहीं। तुम्हारे दिमाग में कब अकल आएगी? अपना नुकसान करवाना तो कोई तुमसे सीखे। अब जाने भी दो, क्यों इतने अच्छे दिन पे अपना मूड खराब कर रही हो? अरे मैं तुम्हें एक ताजुब की बात बताना तो भूल गया। हाँ हाँ करो टॉपिक चेंज। अरे नहीं भाई सुनो तो, मैं उस आदमी को स्टेपनी देने के बाद जब कार में बैठा तो ये चिट्ठी पड़ी थी। किसकी है? सुनो, लिखा है भगवान तुम्हें कल शाम 6 बजे होटल पैलेस के रूम नंबर 2703 में मिलना चाहते हैं। ये तुम्हारा कोई नया मजाक है? नहीं, आई प्रॉमिस। ये देख, लिखाई भी मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी में पड़ी थी, पता नहीं किसने रखी। तुम्हारी गाड़ी में कुछ रखना या निकालना मुश्किल है क्या? हमेशा तो गाड़ी खुली छोड़ देते हो, जैसे दुनिया तुम्हारे जैसे सत्यवादियों से भरी पड़ी हो। क्यों टेंशन ले रही हो, गाड़ी तो सही सलामत है ना? वो भी कोई उठा के ले जाएगा। राजू। राजू? राजू क्यों उठा के लेके जाएगा गाड़ी? वो तो अच्छा दोस्त है मेरा। ओफो, गाड़ी नहीं चिट्ठी राजू ने रखी होगी। नहीं, राजू वहाँ कहाँ से आएगा? राजू नहीं होगा तो तुम्हारा कोई और दोस्त होगा। अब ये छोड़ो। छोड़ दिए। और बोलो घर कब आ रहे हो? घर आ जाएंगे जल्दी क्या है, पहले तुम्हें जी भर के देख तो ले। आज कितनी अच्छी लग रही हो। पटाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे भगवान, चिट्ठी, फिर से चिट्ठी, अब ये कहां से आई? भगवान तुम्हें कल शाम 6 बजे होटल पैलेस के रूम नंबर 2703 में मिलना चाहते, ये कहां से आई? राजू आया होगा। राजू क्यों आएगा? ठीक है, सो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, ये फाइल मिस्टर मेहरा को दे दो। अमर साहब को बड़े साहब ने बुलाया है। सुनो, कैंटीन वाले से कहो हमारे लिए 2 प्लेट वड़ा पाव भेज दे। जी। और सुनो, कारपेंटर से कहो हमारा केबिन जल्दी तैयार करे। अच्छा साहब, कब तक हम अमर साहब के केबिन में बैठे रहेंगे? ये देखो, ये टेबल भी मैच नहीं कर रहा है। जाओ। सुनो जी साहब, वड़ा पाव जल्दी भिजवा देना। जाओ। गुड मॉर्निंग कबूर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठने का कष्ट मत कीजिए। अच्छा जी, तो अब मुझे अपनी कैबिन से ही बाहर निकालने की सोच रहे हैं आप? नहीं यार, जीएम साहब ने आपको याद फरमाया है। क्यों? आपकी शराफत की दाद देने के लिए। क्या मतलब? वाह रे मेरे भोले राजा, अरे दुनियादारी कब सीखोगे? कल ही तुम्हें समझाया था कि वो क्लेम पास कर दो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। मगर यार कपूर, वो क्लेम तो बिल्कुल बोगस है। जानता हूं, मगर जीएम का हुक्म तो यही था, है ना? चलो मिल लेते हैं जीएम से। हरीशचंद्र, आपने मुझे बुलाया सर? ये क्लेम तुमने क्यों नहीं पास किया? सर मेरे ख्याल से ये क्लेम बिल्कुल बोगस है। मैं समझता हूँ ये क्लेम पास हो जाना चाहिए, इसलिए आप जाइए इसे साइन करके लाइए। बट सर, जस्ट डू इट। आई एम सॉरी सर, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये क्या मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से ये क्लेम बिल्कुल बोगस है। अगर आप चाहें तो इसे पास कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी रिपोर्ट कर सकता हूं। डू यू रियलाइज दैट? यस सर, आपको ये भी अधिकार है। ठीक है, आप जा सकते हैं।
फाइल ले लाए? यहाँ फाइलों की क्या कमी है? फिर से वो चिट्ठी? भगवान तुम्हें कल शाम 6 बजे होटल पैलेस के रूम नंबर 2703 में मिला जाता। किसने रखी हुई? ये तीसरी बार आई है चिट्ठी। कपूर, यहाँ कोई आया था क्या? नहीं तो। ये लेटर तुमने रखा है इस फाइल में? क्यों, क्या मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है? हैं? लगता तो ऐसे ही है। क्या मैं वो लेटर देख सकता हूं? भगवान तुमसे आज शाम होटल, भगवान तुमसे आज शाम होटल पैलेस के रूम नंबर 2703 में मिलना चाहते हैं। हे भगवान, भगवान कसम बड़े तकदीर वाले हो यार। अरे कम से कम भगवान से कुछ ऐसा मांगना कि तुम्हें इन झूठे क्लेम्स की फाइलों से छुटकारा मिल सके। यार कपूर, इस वक्त मैं मजाक की मूड में नहीं। अमर, मजाक करने की आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कैबिन में हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम खामखा मुझ पर शक करो। कोई यहां आया नहीं, तुमने इसे रखा नहीं, फिर ये लेटर फाइल में आया कैसे? भगवान जाने। हाँ, भगवान भी शायद यही जानना चाहते होंगे कि मैंने क्लेम पास क्यों नहीं किया। जानते हो कपूर, कल से ये तीसरा लेटर आया है मेरे पास। तो तेरा क्या जाता है, चला जाओ उस होटल के कमरा नंबर 2703। 2703। अरे खोलो भाई, कोई है? अरे दरवाजा भी खुला, कोई है? कोई लगता तो नहीं है, लगता है किसी ने मजाक किया। चलो रुको। कौन? ठीक वक्त पर आए हो, मुझे अच्छे लगते हैं जो वक्त की कदर करते हैं। कौन है आप? चिट्ठी नहीं पड़ी? राजू? भगवान। ओह कम ऑन राजू। नहीं, मैं भगवान ही हूं। भगवान? बिल्कुल भगवान, अंतर्यामी। तीनों लोक के नाथ। कहां जा रहे हो? पूजा से मिलने। पूजा से मिलना बहुत जरूरी है, भगवान से बात करना नहीं? मैं कैसे यकीन करूं कि आप भगवान हैं? अभी तक तो सिर्फ इंटरकॉम से आवाज सुनाई दे रही है। फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप भगवान हैं, अगर आप वाकई में भगवान हैं, अगर मैं वाकई में भगवान हूं तो क्या तुम फिर जा रहे हो? यार राजू परेशान मत करो, तुम्हें मजाक करने के लिए क्या यही जगह मिली थी? और तुम इसे कौन सी जगह समझते हो? जो है वही समझता हूं, होटल पैलेस का 27 फ्लोर रूम 2703। जानते हो इस होटल में रूम नंबर 2703 है ही नहीं, दरअसल इस होटल में सिर्फ 21 फ्लोर हैं। क्या मजाक कर रहे हो? यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो। पर मैं अभी तो आया। मेरी खातर जाकर देख लो। सुनिए मैडम। यस। आपके रूम 2703 में कौन है? यहाँ तो कोई रूम नंबर 2703 नहीं है, दरअसल यहाँ पर सिर्फ 21 फ्लोर हैं और लास्ट रूम नंबर 2125 ही है। तो ऊपर की रूम में कौन रहता? ऊपर तो कोई रूम नहीं है, ऊपर तो सिर्फ टेरेस है। ओह, लेकिन अरे 27 फ्लोर रूम 2703, लेकिन ऊपर भी और यहां भी। नीचे जाके देखता हूं।
अरे यहाँ भी 27 फ्लोर, रूम 2703, ये कैसे हो सकता है? बाद में कुछ तो है, नीचे जाके देखते हैं। फिर वही 27 फ्लोर, रूम 2703, कहाँ तक नीचे जाते रहूंगा? हर फ्लोर पे 27 फ्लोर, रूम नंबर 2703, कहीं ये सच तो नहीं है? अंदर जाके देखता हूँ। कमरा भी वही है, देखा है, तसल्ली हो गई, अब दरवाजा बंद करो और बैठो। अरे यार राजू, तू जीता मैं हारा, अब बता तूने ये सब किया कैसे, कमाल कर दिया। अब भी यकीन नहीं आया कि मैं राजू नहीं हूं। भगवान, अब ठीक पहचाना? पहचानूंगा तो तब जब आपको देखूंगा, आवाज से क्या जानू मैं? वो वक्त भी आएगा, मेरी असली आवाज तो तुम ना सुन सकोगे ना समझ सकोगे। समझ तो मैं ये भी नहीं रहा हूं कि आप होटलों के चक्कर क्यों काट रहे हैं, मंदिरों में जगह नहीं रही क्या? मेरे लिए तो सब जगह एक सी है। लेकिन आप मुझसे क्यों मिलने आए? देखिए मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता। पूजा पाठ की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो सिर्फ विश्वास की बात करने आया हूं। विश्वास? कैसा विश्वास? यही कि मैं हूं और तुम सबसे प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा यह पैगाम तुम दुनिया वालों तक पहुंचाओ। मैं वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे देर हो रही, वो क्या पूजा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बाद में मिलता हूं आपसे, मैं चलता हूं। ठीक है, फिर सही। अब देर नहीं हो रही है? तुम अगर यहां बात करनी है तो यहां करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप रेडियो से बोल रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर आप चाहते क्या हैं? बस इतना कि तुम लोगों से कहो कि मैं हूं। मगर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? क्योंकि मैं ये सुन सुन के थक गया हूं कि भगवान है ही नहीं, ये लोगों की सिर्फ कल्पना है। मैं कल्पना नहीं, हकीकत हूं। और आप समझते हैं लोग मान लेंगे? यही काम तो मैं तुमसे चाहता हूं। लेकिन मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं? मैं तो एक मामूली इंसान हूं। इंसान अपने कर्म से ही बड़ा होता है, कर्म करो तुम भी बड़े बन जाओगे। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं दुनिया वालों से जाके कहूं कि मैंने भगवान से बात की है और वो हैं। अरे किससे बातें कर रहे हो? वो ये भगवान, भगवान क्या है अमर? अरे आपने उस इंस्पेक्टर को अपनी आवाज क्यों नहीं सुनाई? वो मैं एक वक्त में एक ही मसीहा के साथ बात करता हूँ। मसीहा? मैं? हाँ तुम। लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। काम बहुत ही आसान है, एक छोटा सा संदेश है, कुछ पहाड़ तो तोड़ना है नहीं। लेकिन आप मुझे कुछ, मेरा मतलब है कुछ दे दे तो। क्या दू? कुछ भी, एक टेप दे दो अपनी आवाज के साथ। देखो मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती और आज के लिए इतना बस है। अरे हेलो हेलो भगवान। ये कोई वक्त है आने का? आज की तो पूछो ही मत, सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। जैसे मुझे पता ही नहीं, रोज देर से आते हो और बहाने बनाते हो। अरे सुनो तो, जानती हो वो लेटर जो मुझे मिला था? किसने भेजा था? भगवान ने, अभी अभी उनसे बात करके आ रहा हूँ।
अच्छा कैसे लगते हैं वो, हैंडसम है क्या? मैंने उन्हें देखा नहीं, सिर्फ बात की उनसे। अच्छा कहाँ से आ रही थी उनकी आवाज? आकाश से। हाउ सैड, हमने तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूजा। मैंने कब कहा, और ठीक ही तो है, एक तो अकेले रहते हो तुम, ऊपर से खुद से बातें करने की भी आदत है, थोड़े पागल भी हो। भगवान तुमसे मिलने नहीं आएंगे तो किससे मिलने आएंगे? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? सुनो, ऑफिस के बाद मैं सीधा होटल गया। होटल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। बस फिर उन्होंने कहा आज तक के लिए इतना ही बस है, और उनकी आवाज बंद हो गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शायद कुछ खाना नहीं खाया होगा, कुछ खा लो ना। तबीयत भी ठीक है मेरी, और खाना भी खाया मैंने। तो प्लीज ये मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूजा, मैंने वाकई में भगवान से बात की। इंटरकॉम पे और कार के रेडियो पे भी। वो राजू है ना, ये सब उसकी शरारत होगी, उसने माइक्रोफोन लगा के तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। ये माइक्रोफोन का काम नहीं है, और उस होटल में 27 माले ही नहीं है। वो कहां से है? राजू लाया। और मेरी कार का रेडियो, वो तो आज तक कभी चला ही नहीं। और मैं राजू की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये राजू की आवाज नहीं थी। तो क्या भगवान की थी? मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। और क्या करता, उनको गलत साबित तो नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन तुम इतना सवाल क्यों कर रही हो? तुम तो भगवान को मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती कि भगवान किसी से बात करने आते हैं। और तुम्ही से बात करने क्यों, किसी संत महात्मा से क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझे अपना मसीहा बनाया। मैं जानता हूँ ये सब यकीन करना कितना मुश्किल है। यकीन आदमी को सिर्फ अपनी आंखों पर करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। और तुमने अभी तक सिर्फ आवाज सुनी है, कुछ देखा तो नहीं ना? ये भी ठीक है। जानती हो तुम कभी कभी अकल की बात कर लेती हो। हाँ 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 अमर, अमर कौन? भगवान? हाँ भगवान। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बाहर खड़ा हूँ। आप खुद आए हैं? आकर देख लो। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने। हाँ हाँ मैंने सब देखा है। मैं आया। आप भगवान हैं? क्यों पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं। वो तो बचपन से देखते सुनते आए हैं कि भगवान के सर पे मुकुट होता है, गहने पहने होते हैं। ओहो, रामायण महाभारत लगता टेलीविजन बहुत देखते रहते हो। हाँ वो मुकुट भाई, वो तो सत्ययुग त्रेता युग द्वापर में पहनते थे, कलयुग में तो ऐसे ही पहनते हैं। हाँ अगर तुम विराट रूप देखना चाहो जो मैंने अर्जुन को दिखाया था। नहीं 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 विराट रूप नहीं, ये आपका इंसान का रूप ठीक है। तो तुम भी इंसान बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि कपड़े पहन लो। ये भी ठीक है। देखता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पूछो पूछो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। अच्छा ये बताओ अब क्या होगा? किसका? हम सब का, इस दुनिया का। मैं क्या जानू? अरे आप नहीं जानते तो कौन जानता है, आप तो भगवान है। वो तो हूँ, लेकिन मैंने इंसान को बुद्धि दी है, अकल दी है, दिमाग दिया है, इस दुनिया को बिगाड़ना संवारना उनके हाथ में है। अच्छा ये बताइए दुनिया में सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? सुखी लोग भी तो हैं, अगर दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। अमर दुख और सुख का एक नाता है, एक आता एक जाता। ये भी ठीक है। अब सुनिए विमान दुर्घटना के बारे में विशेष सूचना। और ये क्या? कुल मिलाकर 200 व्यक्ति मारे गए और 25 घायल। इन्हें आप बचा नहीं सकते थे? ऐसा क्यों होने देते हैं आप? ये मैंने नहीं होने दिया, इसके जिम्मेदार तुम हो। हम? हाँ हाँ तुम। हवाई जहाज तुमने अपने दिमाग से बनाया, कल पुर्जों की देखभाल नहीं की होगी, गिर पड़ा, इसमें मुझे क्यों बीच में लाते हो? मतलब जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम हैं? हाँ
और देखो तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें खूबसूरत दुनिया दी थी और देखो तुमने क्या कर डाला। ये देखो मेरी बहती हुई नदियों के साफ सुथरे पानी को तुमने कितना गंदा कर दिया। मेरे हरे भरे जंगलों के पेड़ों को काट काट कर बंजर मैदान बना दिया। खुली हवा को आसमान तक धुएं से भर दिया। और यह भी देखो इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या हथियार बना डाले। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, केमिकल वेपन्स, जानते हो ये सब चलता रहा तो क्या होगा। सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और ये दुनिया एक आग का गोला बन जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा? हो सकता है। तो फिर इसे रोकना तुम सबका काम है। लेकिन आपको फिक्र नहीं है दुनिया खत्म हो जाएगी? फिक्र तो है। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? कर तो रहा हूं। क्या? तुम्हारे पास आया हूं। मैं क्या कर सकता हूं? तुम जाकर लोगों को समझाओ कि मैंने कहा है कि सब तुम लोगों के हाथ में है। लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? किस बेवकूफ ने तुम्हें मैनेजर बनाया है? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, टेलीविजन में जाकर कहो, समझे? ये भी ठीक है, लेकिन मुझे यकीन कौन करेगा कि मैं आपसे मिला हूं? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड लेते जाओ। भगवान? सिर्फ भगवान? आपका कार्ड है? जी नहीं, भगवान का। ओ, भगवान का? जी हाँ। कहां से लिया आपने? दुकान से? जी नहीं, भगवान ने खुद दिया मुझे। ऑफ कोर्स भगवान ने खुद दिया। जी हाँ। कहां दिया? आज सुबह जब मैं नहा रहा था बाथरूम में, तब। भगवान तुम्हें बाथरूम में मिलने आते हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है आज सुबह जब घर पे आते ना तब। भगवान आपको आपके घर में मिलने आते हैं? जी नहीं, आज पहले ही बार आए थे। वैसे तो उन्होंने मुझसे इंटरकॉम और रेडियो पे ही बात की थी। रेडियो पे? जी हाँ। कौन से स्टेशन पे? सभी स्टेशनों पे मैं नॉब घुमाता रहा, हर स्टेशन से उनकी आवाज आ रही थी। एक बात बताइए मिस्टर अमर, अमर सिन्हा। मिस्टर अमर, ये भगवान आपको ही मिलने क्यों आते हैं? जी वो चाहते हैं कि मैं उनका संदेशा दुनिया वालों तक पहुंचाऊं। ओ, तो भगवान ने आपको अपना मैसेंजर बनाया है? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो भगवान ने संदेशा क्या भेजा है? यही कि सब कुछ हमारे हाथ में है, उन्होंने मुझे टीवी पे दिखाया। क्या हमारे हाथ में है? दुनिया बिगाड़ना या संवारना? ये हमारे हाथ में है। जी हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा है जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार हम हैं। अच्छा, और यही संदेशा वो चाहते हैं कि आप अपने अखबार में छापो तो लोगों को पता चले। भगवान ने यहाँ आने को कहा, इस ऑफिस में, मेरे पास? नहीं, वो तो मेरा आइडिया था। ओह, आपका आइडिया था? जी हाँ। क्या नाम बताया आपने अपना? अमर सिन्हा। अमर सिन्हा। वेल मिस्टर अमर सिन्हा, थैंक यू वेरी मच। आपका यहाँ आने का और भगवान का संदेशा हम तक पहुँचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए मैं पागल नहीं हूँ। नहीं नहीं, किसने कहा आपसे? देखिए ये कार्ड, देखिए गौर से देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये कार्ड दुकान से खरीदा है? देखिए आप। मुझे तो कुछ ऐसे ही लगता है। अजीब बेवकूफों जैसे सवाल पूछ लेती हूँ, देख नहीं रही सिंह चने बेच रहा हूँ?
हाँ, लेकिन क्यों? ये हुआ ना सही सवाल, वो इसलिए कि मदन चाचा बीमार हैं, तो मैंने उनसे कहा आप आराम करो, सिंह चने मैं बेच लेता हूँ। कौन मदन चाचा? और अब तुम सिंह चने बेचोगे? क्यों, कुछ बुराई है इस काम में? और मैं हूँ कि वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई मैं आ ही रहा था, लेकिन यहाँ कुछ दो तीन ग्राहक आ गए। हाँ जी बोलिए। तुम वाकई में पागल हो? अभी से ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? सुनो, बात यह है कि आज सुबह जब मैं नहा रहा था तब क्या तुम्हें भगवान मिलने आए? धीरे बोलो पूजा, लोग सुन रहे हैं। खुद रास्ते पे सिंह चने बेच रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि धीरे बोलो, क्यों इतना तंग करते हो मुझे? उस दिन भी तुमने इतना परेशान किया था और आज फिर वही कहानी दोहरा रहे हो। मैं कहां तुम्हें तंग कर रहा हूं, आज भगवान सचमुच मेरे पास आए थे। तुम्हारे ही पास क्यों, किसी और के पास क्यों नहीं? मैं क्या जानूं। और क्यों आए थे तुम्हारे पास? भगवान चाहते कि मैं उनका संदेशा दुनिया वालों तक पहुंचाऊं। देखो पूजा, अगर तुम ही मेरा यकीन नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम और किसी को भी ये बात बताने वाले हो? वो तो यही चाहते हैं। कौन? भगवान। तुमने जो बात मुझे बताई है वो औरों को भी सुनाने वाले हो? मजाक की भी एक हद होती है अमर, और कहीं ये बात डैडी ने सुन ली तो मैं। ठीक है बाबा, ठीक है, भगवान मिलेंगे तो बोल दूंगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, लो अब सिंह खाओ। तो तुमने मेरा काम नहीं किया? आप आ गए? आ तो गया हूँ, लेकिन अखबारों में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ते कैसे, उस पेपर वाली ने तो मुझे पागल समझा। तो तुमने मेरा विजिटिंग कार्ड उसे नहीं दिया? आपका विजिटिंग कार्ड इसी तरह दिखाता फिरा ना मैं, तो लोग मुझे पागल समझेंगे। ये हो सकता है। और मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। और पूजा भी रूठ के चली जाएगी। ये तो और भी हो सकता है। अगर ये सब हो सकता है तो फिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े? देखिए एक काम कीजिए, आप किसी और को चुन लीजिए। देखिए आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के आदमी के पास जाइए, अच्छा सा जिंगल बना देगा, आपका काम बन जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कपूर, हाँ इनसे मिलिए। किनसे मिलिए? नहीं इनसे। किनसे? फाइल। फाइल वापस आ गई? तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, यूं ही। अमर हाँ, मुझे लगता है तुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं मैं तेरे लिए अलग से लेकर आता हूं। फिर फंसा गए, वक्त बेवक्त गायब हो जाते हैं। लगता है मैं थोड़ा थोड़ा करके पागल हो रहा हूं। तुम क्या कह रहे थे, तुम पागल होते जा रहे हो? अरे आप वहां से चले क्यों गए? अब कपूर भी मुझे पागल समझता है, आप उसे मिल क्यों नहीं लेते? मैं उसे मिलना नहीं चाहता था। अच्छा एक काम कीजिए, और किसे नहीं तो पूजा से मिल लीजिए। पूजा से भी नहीं, पूजा कहेगी डैडी से मिलो, डैडी कहेंगे स्वामी जी से मिलो, स्वामी जी कहेंगे मेरे बेटे से मिलो, ये मिलने का सिलसिला चलता रहेगा। अभी मेरा किसी से मिलने का वक्त नहीं आया। मुझे तो लगता है आप मुझसे भी नहीं मिले। मैं एक सपना देख रहा हूँ, थोड़ी देर में नींद खुल जाएगी और मैं निराश हो जाऊंगा। यानी अब भी तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं भगवान हूँ? सच कहूँ आप इतने सीधे साधे लगते हैं। लगता नहीं कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल, यहाँ लोग छोटे से छोटा काम करते हैं और अपनी बड़ाई हाँकते हुए नहीं थकते, और आपने पूरी दुनिया बनाई और मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे पुराने दोस्त हो। सच तो यह है कि मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन सब मुझसे डरते हैं, मुझे अव्वा समझते हैं, इसलिए
अगरबत्ती जलाकर फूल चलाते हैं, वो समझते हैं कि इससे काम बन गया, लेकिन वो भूलते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, सबके सुख दुख में शामिल हूँ। ये भी ठीक है। एक एक बात कहूँ, आप लोगों को समझाने के लिए कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? चमत्कार? क्या यह दुनिया एक चमत्कार नहीं है? लोग समझने की कोशिश नहीं करते। खैर, तुम्हें दिखाने के लिए मैं एक चमत्कार कर सकता हूँ। अच्छा, बोलो क्या करूँ? कुछ भी, तुम बोलो। थोड़ी बारिश हो जाए। ये लो। अरे ये तो बारिश हो गई। देखा? ये तो गाड़ी में ही बारिश हो गई। हो गया ना चमत्कार? बिल्कुल है ना चमत्कार। जोर की बारिश चाहिए, तूफान चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस है, बस है। बस बोलो बोलो। लेकिन बाहर तो बारिश है ही नहीं। तुम्हारे लिए मैं बाहर के लोगों का दिन क्यों खराब करूं? ये भी ठीक है। बहुत मजा आया। अब देखो दूसरा चमत्कार। ये देखो। अरे भगवान कहाँ गए? ओ तुम, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हो? और इतना पानी? ओ, बात ये इंस्पेक्टर साहब के, ये बारिश का पानी। बारिश? हाँ। नहीं, वो बात ये है कि आज भगवान मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे तो उन्होंने बारिश कर दी, ये उसी का पानी। भगवान? हाँ। भगवान गाड़ी में बैठे थे, बारिश खाली गाड़ी में गिराई? हाँ जी। अच्छा। आप आ गए? मैं गया कब था? अच्छा, तुमने सच तो कहा उससे, लेकिन पुलिस वाला तो मैं पागल समझा। समझेगा ही, आप ऐन वक्त पे गुमजो हो जाते हैं। वैसे आप साथ हैं तो कोई मुझे पागल समझे या कुछ भी समझे, मुझे इसकी फिक्र नहीं। इसका मतलब है तुम मेरा साथ दोगे? जरूर दूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो चलो। मैडम। अरे तुम तो गीले हो। जी हाँ, बिल्कुल गीला हूँ। आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ, तुम वही हो ना जिसे भगवान मिलने आते हैं? जी हाँ, आज दोबारा आए थे। कहाँ, बाथरूम में? नहीं, लगता तो ऐसे ही है। ये तो बारिश का पानी है। लेकिन आज तो बारिश हुई नहीं। यही तो चमत्कार है, भगवान ने आज मेरी गाड़ी में बारिश कर दी। देखिए, ये भगवान का बनाया हुआ पानी है, बाहर धूप अंदर बारिश, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? और आपको अभी भी यकीन नहीं आता? नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, ऑफ कोर्स बिल्कुल यकीन है, ऐसे में यकीन कैसे नहीं होगा। तो फिर आप अपने पेपर में छापती क्यों नहीं? देखिए, वैसे भी आप अपने पेपर की धार्मिक विभाग की इंचार्ज हैं, इससे बड़ी धार्मिक बात क्या हो सकती है कि भगवान धरती पे आए हुए हैं। तो आप लिखती क्यों नहीं? मैं लिखूंगी। नहीं, आप लिखिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं लिखूंगी। मैंने अभी अभी आप लिखिए, वरना मैं दोबारा आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप आने की क्यों तकलीफ करते हैं, मैं लिखती हूँ ना। ये लो। गाड़ी में बारिश हुई, ये तो लिखा ही नहीं आपने। बारिश गाड़ी में? हाँ, ऑफ कोर्स। आप ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू मैडम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। गाड़ी में बारिश। पापा कहते थे डॉक्टर बनो बेटा, लेकिन नहीं, एडिटर बनना है। गणेश,
गणेश मेरी टेबल पर कुछ छापने के लिए मटेरियल रखा है, प्लीज उसे प्रेस में भेज दीजिए पब्लिशिंग के लिए। ओके थैंक यू। एडिटर की केबिन में तो बहुत जोर की हवा लग रही है और हमारी केबिन में तो हवा ही नहीं लगती। ओहो, इसे तो डस्टबिन में रहना चाहिए था। अरे पूजा, ओ पूजा, बंसी, कहाँ हुई गवा मालिक? जी पापा। बंसी, हमें नहीं मालूम था कि हमारी बेटी इतनी नादान निकलेगी। क्या हुआ पापा? अच्छा भाई बंसी, तुम ही फैसला करो। आखिर बात क्या है पापा? बंसी, हमने आज तक अपनी बेटी के ऊपर किसी बात पे रोक टोक लगाई? बिल्कुल नहीं मालिक। उसने जो कहा हमने मान लिया। बिल्कुल मालिक। पापा बात क्या है? वो बड़ी हो गई, उसने कहा कि मैंने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। हमने कोई इतराज किया? बिल्कुल नहीं मालिक। हमने कहा हाँ भाई ठीक है, जो तुम्हारी पसंद वो हमारी पसंद। हाँ मालिक। तो इन्होंने क्या किया? क्या किया मालिक? एक पागल उठा लाई। पागल मालिक? अरे पागल मालिक नहीं, पागल लड़का। वही मालिक। आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आ जाएगा, ये देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मोनिश इंडस्ट्रीज के मैनेजर मिस्टर अमर सिन्हा का कहना है कि भगवान उनसे मिलने आते हैं। भगवान? जी हाँ, और भगवान ने उनकी गाड़ी में बारिश की। बारिश? हाँ, और भगवान ने अमर सिन्हा को दुनिया बचाने का जिम्मा दिया है। अब बताओ पागल है कि नहीं? नहीं पापा, ये बात नहीं है, ये तो किसी ने उनके साथ मजाक किया है। तुम कहती हो तो मान लेते हैं, मगर बात तो सोचने की है ना। अमर बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अगर तुम्हें उसके धार्मिक विचार ही पसंद है तो अपने स्वामी जी का बेटा विवेक क्या बुरा है? ये बात नहीं है पापा। अरे स्वामी जी बड़े संस्कारी है, उनकी बड़ी महिमा है, देश विदेश में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। अरे किसका नाम लिया जा रहा है देश विदेश में? आइए आइए स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आप ही की बात कर रहा था। मैं पूजा को बता रहा था कि देश विदेश में आपका नाम कितनी इज्जत से लिया जाता है। अरे हम तो क्या हैं, सेवक हैं भाई। यही तो आपका बड़प्पन है स्वामी जी। कैसे हो विवेक? ठीक हूँ, हाउ आर यू पूजा? आई एम फाइन। क्या बातें हो रही थी बाप और बेटी के बीच में? स्वामी जी, हमारी बेटी के एक दोस्त हैं, उनका कहना है कि भगवान उनसे मिलने आते हैं। पापा। भाई बड़े खुश नसीब हैं, हमें भी मिलवाइए ना उनसे। जी जरूर, मैं चाय लेकर आती हूँ। देखिए हंसी में बात मत डालिए, आपकी बेटी अब जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। स्वामी जी आपके होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में बहक जाना बहुत आसान काम है। अब देखिए ना, मैंने अपना सारा कारोबार जो है विवेक को सौंप दिया है। अच्छा? हाँ। अरे इस बात पे याद आया, आपका चेक तैयार है। अरे अरे पूजा, वो टेबल से मेरी चेकबुक लेते आना। पूजा कहाँ है? बिटिया रानी तैयार हो रही है बाहर जाने के लिए। देखिए आपने जरूरत से ज्यादा उसे छूट दे रखी है। नहीं स्वामी जी, समझदार लड़की है, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती है। अब माँ भी नहीं है, अगर मैं उसका दोस्त बन के नहीं चलूंगा तो कौन समझेगा उसे? माँ बाप होते हैं, दोस्त नहीं। चलिए अब जो अवगुण है ये लीजिए आपका चेक। थैंक यू। बेटे ये लो चाय पी लो। हाँ काका। अच्छा काका, ये रामदीन का राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है और ये शामू के इंश्योरेंस पेपर्स हैं, बोलना हर साल मार्च के महीने में प्रीमियम भर ले। और ये लीला बहन के पेंशन के कागज हैं, मैंने सब भर दिए, बाकी कागज भी भर दिए, सबको दे देना। बेटा तुम सारा दिन काम करके ये सब हमारे लिए करने बैठते हो। आप भी तो हमारे हो काका, आप ही की गायों का दूध पीकर तो बड़ा हुआ हूं मैं।
अरे पूजा बिटिया आ गई। कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ काका। चाय पियोगी? नहीं। अच्छा तो तुम बैठो। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें मना किया तुमने वही किया ना? पेपर में ये सब छपवाकर क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो? माना कि तुम्हें भगवान मिले, लेकिन ये सब पेपर में छपवाना जरूरी है? नहीं, भगवान चाहते हैं कि तुम उनकी पब्लिसिटी करो। वो शायद ये नहीं चाहते कि मेरी और तुम्हारी शादी हो, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से पापा अगर खफा हो गए तो मेरी शादी उस स्वामी के बेटे उस लंगूर से करवा देंगे, और मेरी शादी हो जाए उसके बाद तुम मक्खियों की तरह बैठे बैठे हाथ मलोगे और तुम्हारे भगवान तमाशा देखेंगे, और तुम्हें क्या मिलेगा? सब पागल कहेंगे, पागल। तुम हो अगर साथ मेरे फिर क्या करेगा ज़माना, तुम हो अगर साथ मेरे फिर क्या करेगा ज़माना, गम नहीं दिल का दुनिया ये मुझको पागल कहे या दीवाना, तुम हो अगर एक रोज पूछा था तुमने, बोलो मोहब्बत ये क्या है, मैंने कहा था कम जो नहीं हो ये प्यार ऐसा नशा है, ये प्यार ऐसा नशा है, तुम हो अगर साथ मेरे देखते रहो। छोटी सी इस जिंदगी में बस में नहीं कुछ हमारे, फिर भी ये सपने लिख दिए अपने, मैंने तेरे नाम सारे, मैंने तेरे नाम सारे, तुम हो अगर साथ मेरे। दुनिया से थोड़ा अलग हूँ जरा, मेरा दिल तो जज्बात से है भरा, वो बदनाम ये जिंदगी कर गए, ये बेवजह जो यूं ही मर गए। औरों की तरह जी नहीं सकते हो? जीने को सब जी रहे हैं, जीना मगर है उसी का, जो हो गया हो किसी
क्या करेगा जमाना, गम नहीं दिल का दुनिया ये मुझको पागल कहे या दीवाना। तुम हो अगर साथ मेरे, तुम हो अगर साथ मेरे, तुम हो अगर साथ मेरे। सभी संस्थाओं से माल आ गया। कितना माल इकट्ठा हुआ है? 13,25,000। ठीक है, 25,000 सब संस्थाओं में बांट दो और 13 लाख रुपए जो हैं वो फार्म पे भेज दो। कैलाशपुर से पैसे इकट्ठे हो गए? हाँ, मगर वहाँ जब से रामदीन को हटाया गया है वो सब लोगों को भड़का रहा है। वो कह रहा है कि 2-3 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे पर अनाथालय को सिर्फ 5-10,000 मिल रहे, बाकी के पैसे कहाँ जाते? सभी के मुंह खुल गए हैं। तुम एक काम करो, वहां पे 10,000 रुपया भिजवा दो। वहां के मंत्री को बुलाकर उसके हाथों 5-10,000 रुपए के कपड़े और किताबें बच्चों में बंटवा दो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन फार्म पे इतना पैसा रखना ठीक नहीं। तुम 10 लाख रुपए का सोना खरीद लो। सभी लालची हो गए साले, उनका मुंह भी बंद हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तुम? मैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं? हाँ, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जिंदगी भर मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा क्या? ये पूजा से तुम्हारी शादी हो जाए तो करोड़ों के मालिक बन जाओगे तुम। दिखाते नहीं है बड़े साहूकार हैं? और ये मोहन राय जो है ना, उसकी पहचान है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। अबे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? पापा, रास्ते में एक ही कांटा है, अमर, और उसे हटाने का तरीका मैंने सोच भी लिया है। सोच लिया? अब की बार राय साहब ने बात हंसी में टाल दी, मगर अब पेपरों में ऐसा धमाका छपाओ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। मैं समझ गया, जैसा भी होगा सभी पेपरों में छपवा दूंगा। बम फटना चाहिए बम। पब्लिसिटी का इतना ही शौक है तो फिल्मों में भर्ती क्यों नहीं हो जाते हो? सर ये पता नहीं सब किसने किया। नहीं नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, और ये फोटो भी तुम्हारी नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं सर कि मुझे कुछ समझना भी नहीं है, सिर्फ आपको वार्निंग देनी है। किस बात की वार्निंग सर? यही कि इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम और रेपुटेशन है। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर लिया सर जो? आपकी हरकत एक मैनेजर की नहीं एक पागल की लगती है। माफ करना सर, मैं अपनी कंपनी की हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता हूं, बाकी रही बाहर की बातें सो मेरा जाती मामला है। जी नहीं, अगर तुम्हारे जाती मामले से हमारी कंपनी के नाम पर धब्बा पड़ता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा से ऐसी हरकतें होनी चाहिए, नहीं तो मजबूरन मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। छोटे से इश्तेहार से जी नहीं भरा जो फोटो के साथ इतना बड़ा आर्टिकल छपवा दिया? ये मैंने नहीं किया पूजा। तो फिर क्या तुम्हारे भगवान ने छपवाया है? तुम उनकी पब्लिसिटी कर रहे हो या वो तुम्हारी? पता नहीं पूजा, ये सब किसने किया मैं तो हैरान हूँ। हैरान तो मैं हूँ, तुम्हें अपनी इज्जत का भी कुछ ख्याल नहीं? ये बात नहीं है पूजा। मर गई तुम्हारी पूजा, बुलाओ अपने भगवान को और धुनी रमाओ, मैं जा रही हूँ। पूजा, अरे मेरी बात तो सुनो, ये क्या बचपना है पूजा। चलो शंभू, बात तो सुनो। भगवान क्यों बुला रहे मुझे? अरे आप आ गए, ये देखो ये सब क्या हो गया। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत फोटोग्राफ है। और एक राज की बात कहूं, कुछ लड़कियों को मैंने कहते सुना है कि लड़का बड़ा खूबसूरत है। ये कहते हुए नहीं सुना कि बेचारा थोड़ा पागल है? हाँ ये भी सुना है। आपको मजाक सूझ रहा है? वहां मेरा बॉस मुझसे नाराज है या पूजा रुक के चली गई और आपको फायदा क्या हुआ? देखिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए,
ये काम मुझसे नहीं होगा। और ये सब क्या है? पूरे पेपर में सिर्फ तुमने अपना फोटो ही देखा, ये नहीं देखा कि आतंकवादियों ने एक बस को 25 आदमियों के साथ जला दिया, और ये नहीं देखा कि दहेज के लालच में एक मासूम बहू को जला दिया। और शर्म की बात देखो, 3 आदमियों ने एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, ये पढ़कर तुम्हारा दिल जल नहीं उठा? क्यों जलेगा, इनके साथ तो तुम्हारा कोई वास्ता है नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? I'm sorry. थोड़ी देर के लिए मैं खुदगर्ज हो गया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका काम मैं ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन आप साथ रहेंगे ना मेरे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किसके साथ बातें कर रहे हो भाई? जी मैं भगवान के साथ बात ही कर रहा था। भगवान के साथ? लाइसेंस है? रहने दो, इसके पास तो भगवान के साथ बात करने का भी लाइसेंस है। एक लफ्ज मत बोलना फोटोग्राफ के बारे में। फोटो? कौन सा फोटो, किसका फोटो, कैसा फोटो? वैसे सीरियसली यार, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे कोई फर्क आएगा? कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा। हाँ फर्क आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तबाह हो जाओगे मेरे भाई। अब भी समय है, सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी का मजा लो। मतलब किसी को कुछ करना नहीं चाहिए? अरे यार कुछ दिनों के लिए जिंदगी को मेरी नजरों से देख, बड़ी प्यारी है, क्यों टेंशन कर रहा है? काश मैं किसी को तो समझा पाता। यार कपूर तुम्हारा एक दोस्त है ना जो टीवी पे प्रोग्राम बनाता है, हाँ। उससे मिलवा सकते हो? हे भगवान, पेपर से पेट नहीं भरा जो टीवी की तरफ जा रहे हो। खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, आज शाम को मुझे होटल में मिल रहा है, वहीं आ जाना, तुम्हें उसे मिलवा दूंगा। अरे यार ये कोई उम्र है तुम्हारी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की? अरे जवानी में ही बूढ़े हो रहे हो यार। खैर आ जाना शाम को, आज तुम्हें खुश कर देंगे। मेरे लिए तो खुशी के मायने ही बदल गए दोस्त। खैर तो ठीक है, मैं शाम को पूजा से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। आएगी तो बोल दूंगा। देखो आज तुम देर से आई हो। हाँ तो क्या कर लोगे? रूठ जाऊंगा। अच्छा तो मैं यूं मना लूंगी। वो कैसे? वो ऐसे।
chicken, 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 चिकन 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 चाओ चिकन 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 चाओ सितम है अजब है ये लड़की अजब है ये कुछ जानती ही नहीं ये रूठी है ऐसे मनाऊं मैं कैसे कि ये मानती ही नहीं chicken chow chicken 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 chow chicken 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 chow मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो दोस्त। चलो आज मैं तुम्हें जिंदगी को जीने का तरीका दिखाता हूँ। नहीं आज नहीं, आज नहीं। क्यों, क्यों, आज रहने दे। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था। हाँ? तुम मुझे वो टीवी प्रोड्यूसर से मिलवाना। अरे वो आज ही मेरे पास आया था। बस यूं समझो अमर तुम्हारा काम हो गया। ये लो उसका कार्ड, जाकर उससे मिल लो। बस कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते टीवी पर एक खूबसूरत सी अनाउंसर कह रही होगी, आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर अमर से। नमस्कार। होनी अनहोनी कार्यक्रम में हम आज तक आपकी मुलाकात कई अजीबोगरीब हस्तियों से करवा चुके हैं, लेकिन आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। तो मिलिए मिस्टर अमर से, जिनका कहना है कि वो भगवान से मिल चुके हैं। तो मिस्टर अमर, आप भगवान से मिले हैं? जी हाँ, अब तक 4 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार आप कहाँ और कब मिले? जी वो मेरे घर पे आए थे। लेकिन अमर जी, आपने कैसे पहचान लिया कि यही भगवान है? जी मैं उनकी आवाज पहचानता हूँ। वो कैसे? हम बात कर चुके हैं पहले और उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग चलो मान लिया कि यही भगवान थे, लेकिन वो आपसे ही क्यों मिलने आए? भगवान जाने। मेरा मतलब है कोई भी हो सकता था, आप भी। हम तो इतने वो नहीं। लेकिन ये बताइए, वो लगते कैसे हैं, पहनते क्या हैं? हम सब की तरह, और कोट पैंट पहनते नहीं। अच्छा अमर जी, आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर कमल आए हुए हैं। ये पुलिस आर्टिस्ट हैं। अगर आप अपने भगवान का वर्णन इन्हें दे दें तो वो शायद इनकी तस्वीर बना सकें। जी हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर कमल, आ,
जी उनका भरा हुआ चेहरा है, बड़ा मनमोहक, बाल सफेद हैं और चश्मा पहनते हैं। भगवान चश्मा भी पहनते हैं? जाने कहां से खरीदते होंगे। जी ये ठीक है। जी कुछ ऐसे ही लगते हैं। अच्छा तो ये हैं इनके भगवान। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा था। वो पत्थर शायद मेरे सर के लिए था। क्यों? तुम जादूगर हो क्या? तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, लेकिन अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। चलो शुक्र है गुस्सा करने ही सही, आ तो गई। जाओ, तुम्हें मेरी याद कहाँ आती है? अरे रात दिन तो तुम्हारा नाम लेते रहता हूँ। ये बातें किसी और को सुनाना। नहीं सीरियसली, जब तुम रूठ के चली जाती हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तंग करना अच्छा लगता है। क्यों? पेपर में फोटो छपवाने से मना किया तो टीवी पे जाके अपने आप को तमाशा बना दिया। क्या करता, जो काम हाथ में लिया है वो तो करना है ना। सच कहती हूँ अमर, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। काश मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता। मुझे विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अगर दिन को रात कहोगे तो भी मैं मान लूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना। मैं तुम्हें तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती। मेरी आंखों में देख के कहो, क्या तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सब एक ड्रामा है। अब तुम ही बताओ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसको सपना समझकर भूल जाऊं सिर्फ इसलिए कि लोग सच नहीं मानेंगे? सच सच होता है, सारी दुनिया के मानने या न मानने से वो बदलता नहीं। काश सब लोग तुम्हें मेरी नजर से देख सकते। मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ डरती हूँ कहीं मुझे तुमसे कोई अलग ना कर दे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू। आई लव यू। गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैकेनिक को बोलना घर ले जाए, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। जी साहब। टैक्सी। बैंड्रा चली। अरे 2703। भाई साहब जानते हैं ये बड़ा लकी नंबर है। जानता हूँ। अरे आप टैक्सी चला रहे हैं? अरे पूरी दुनिया में चला रहा हूँ, टैक्सी नहीं चला सकता? ये भी ठीक है। वैसे लाइसेंस वाइसेंस है आपके पास? तुम्हें शक हो तो दिखा दूँ। नहीं नहीं नहीं, और वैसे भी अगर आरटीओ ने पकड़ लिया तो आपको तो गुम हो जाना है। बैंड तो मेरा बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा वैसे आपने प्रोग्राम देखा? अरे मैं सब देखता हूँ। कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन मेरी तस्वीर छपवाने की क्या जरूरत थी? वाह, जब मेरी छपी थी तब मैंने भी यही कहा था कि मेरी छपवाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा फोटोग्राफ तो बहुत अच्छा था, मेरी तस्वीर से तो बस ऐसा लगता हूँ जैसे चोर उचक्का हूँ। भाई मुझे तो अच्छी लगी। यानी मैं तुम्हें चोर उचक्का लगता हूँ? भाई वो भी तो आप ही के रूप है। तुम समझदार होते चले जा रहे हैं। अब इतने दिनों से आपके साथ हूँ, कुछ संगत का असर तो होगा। ये भी ठीक है। वैसे आप मुझे समझदार समझते हैं, बाकी लोग तो बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। वो तो मैंने कहा था लोग समझेंगे। सुनो भाई, हाँ
जितने ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं ना, हाँ, उनको लोग पागल समझते हैं। जैसे गैलीलियो, सोक्रेटिस, न्यूटन, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते हैं। लो भाई, तुम्हारे घर आ गया। लेकिन ये भीड़ कैसी? तुम जाके देख लो। अरे फिर गायब। रोजर, हम गॉड देखने मांगता है। हम पूरा दुनिया में घुमा, हमको गॉड नहीं मिला। हम गॉड से मिलना चाहता है। प्लीज ब्रदर, हमको गॉड से मिला दो। हम गॉड से मिलना चाहता है ब्रदर, ब्रदर हमको गॉड से मिला दो। तुम्हारा गॉड किधर रहता है हमको बताओ ना, हम जाएगा उधर। हमने गॉड को कहा नहीं ढूंढा, पूरा दुनिया में ढूंढा उसको, लेकिन वो नहीं मिला। प्लीज ब्रदर हमको मिला दो, प्लीज ब्रदर हमको मिला दो, गॉड से मिला दो। मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तीन दिन से खाना नहीं खाया इसने। मेरा पाँव खराब है, मेरा पाँव ठीक कर दो। आज खुलने वाले मटके का नंबर तो बता दो। अबे मटका नहीं तो जितने वाले घोड़े का नाम तो बता दो। जो बे भगवान ऐसे दिखते हैं? जो बे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। भाइयों, ये आदमी भगवान का मजाक उड़ा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई जिस तरह वो टीवी पे बात कर रहा था, मुझे तो बिल्कुल पागल लग रहा था। नहीं पापा, आप मुझ पे तो यकीन कीजिए। देखो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में तुम दिल से काम ले रही हो, दिमाग से सोचो। नहीं पापा, मेरा दिल कभी धोखा नहीं खा सकता। मैं अमर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बेहद शरीफ और सच्चा इंसान है, वरना वो आपकी जायदाद क्यों ठुकरा देता। आई लव हिम पापा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भाई मैं समझता हूँ, फिर भी मेरी खातिर उससे एक बार मिल लीजिए प्लीज। चलो, तुम कहती हो तो मिल लेते हैं। थैंक यू पापा। ड्राइवर आगे से राइट टर्न लेना। मुश्किल है रहना शीशे के घर में, इन पत्थरों के शहर में। सच बोलने से हम गिर गए हैं दुनिया की देखो नजर में। आखिर ये बेगुनाही लाई है क्यों तबाही। यूं ही कभी कुछ मिल गया है, कुछ खो गया जिंदगी में। अक्सर बने हैं अपने पराए, अक्सर ये देखा गया है। जानते हो पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में दर्द देखकर ही मेरा कलेजा फट गया। मैं समझ सकता हूँ पूजा, आई एम सॉरी। पता नहीं हुआ इतने लोग कैसे जमा हो गए। ये तो होना ही था। तुम्हें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को अपनी जागीर समझते हैं, और ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सब कुछ तुम अपने निजी फायदे के लिए नहीं कर रहे हो। सच कह रही हो, लोग ऐसी बातें वोट कमाने के लिए या पैसों के लिए करते। काश लोगों को समझाने का कोई तरीका होता। एक तरीका है। क्या? मैंने पापा से कहा कि मानो अगर अमर सच कह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो पापा ने कहा कि एक संस्था है जिसका काम अंधविश्वास को दूर करना है। अगर तुम उनके 4-5 एक्सपर्ट से मिलकर उन्हें यकीन दिला सको तो बात कुछ बन सकती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही जाके उनसे मिल लेता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पापा ने कहा कि अगर ये बात साबित हो गई कि अमर झूठ बोल रहा है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने कहा कि हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा अमर कभी छूटा नहीं हो सकता। जब बोली दिया है
फिर डरती क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्था अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न करती रहती है, उसके लिए माननीय डॉक्टर गोखले साहब, मिस्टर हाटे जो पुलिस ऑफिसर हैं, और मिस्टर शास्त्री जो प्रोफेसर हैं, और फिर अपने स्वामी जी, इनको कौन नहीं जानता। हम लोग सब ये जानने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं कि जो दावा मिस्टर अमर ने किया है, क्या वो सही है या गलत। जहां तक हमारा ख्याल है, हम समझते हैं कि आज तक तुमने धार्मिक बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, और आज तुम अचानक कह रहे हो कि तुम्हें भगवान मिल गया। यहां पर बड़े से बड़े लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने फर्ज और धर्म का पालन किया है, देश विदेश में बड़ा नाम कमाया है। मैंने खुद अपनी सारी जिंदगी प्रभु भक्ति में बिता दी है, लेकिन हम में से किसी को भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, सिर्फ तुम्हें दिए। वाह, ताजुब की बात। मुझे गम इस बात का नहीं है कि तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए, बल्कि गम इस बात का है कि तुमने भगवान को इतना छोटा बना दिया। ये साहब कहते हैं कि भगवान चश्मा पहनते हैं। आपने भगवान को देखा है? मैं इतना खुशनसीब नहीं हूं साहब। फिर आप कैसे जानते हैं भगवान चश्मा नहीं पहनते? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं, थोड़ी देर में यह साबित हो जाएगा किसने क्या देखा है। तुम्हारी बातों की सच्चाई जानने के लिए हमने एक तरकीब सोची है। इसमें कुछ सवाल है, हम चाहते हैं कि इनका जवाब अपने भगवान से लेकर के आओ। और सवाल जो हैं वो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं, और जवाब भी हैं वो तुम्हें उन्हीं भाषाओं में देने हैं। जब तुम सवाल ही नहीं पढ़ पाओगे तो जवाब क्या दोगे? तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी जाती है, तब तक तुम किसी से मिल नहीं सकते। लेकिन मैं जानता नहीं हूं अब भगवान कब मिलने आएंगे मुझे। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो हमें कहना पड़ेगा कि तुम्हारा यह दावा गलत है। मुझे मंजूर है। तो ठीक है सुभाष, मिस्टर अमर को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। आइए, कीर्तन का समय हो गया, चलिए। सवाल तो पढ़ नहीं सक रहा हूं, जवाब क्या खाक दूंगा? ये आश्रम है या होटल का कमरा? ठाट है। Oh!
आ गए। ओ थैंक यू। फीकी चाय, लगता है स्वामी को डायबिटीज है, सबको फीकी चाय पिलाता। कम इन। अरे आप शुगर। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो डर रहा था अब क्या होगा। ये देखिए ना, कुछ सवाल दिए उन्होंने, जवाब चाहिए उन्हें। देखो मैं तो पढ़ भी नहीं सक रहा हूँ। हाँ। पता नहीं कौन सी भाषाओं में है। जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम आराम से चाय पियो। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? उनसे कह दो भगवान ने कहा जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तो क्या वो मान लेंगे? अगर तुम जवाब लेकर भी जाओगे फिर भी नहीं मानेंगे, सवाल पर सवाल पूछते रहेंगे और तुम फिर भी उन्हें विश्वास नहीं दिला सकोगे। फिर स्वामी कहेगा मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूँ। दरअसल वो स्वामी सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ। उसे जाकर कह दो कि भोली भाली जनता को ठगना छोड़ दे, वरना उसका हाल बहुत बुरा होगा। ऐसा बोल दूं? जरूर बोलो। और ये भी कह दो उससे कि अगर पैसा कमाने का इतना शौक है तो ईमानदारी से काम करे। मेरा नाम क्यों बेचता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाके बोल देता हूँ। क्या समझ के रखा है उसने अपने आप को? और ये भी कहना उससे कि मैंने उसे अपना एजेंट नहीं बनाया है, तुम्हें बनाया है। थैंक यू। अरे नरक की आग में जलोगे अगर ऐसे काम करते रहे तो। पल पल में तुमसे पाप होते रहते हैं और तुमको पता नहीं चलता, और उसका अंजाम दुख और तबाही, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, और उससे बढ़कर है उसका गुस्सा जो बिजली बनकर तुम पर गिरेगा। और इस जन्म में तो क्या, मृत्यु के बाद में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, बस आग में जलते रहोगे, आग में जुलसते रहोगे, आग में। अब इससे बचने का कोई तरीका है आप लोग पूछेंगे? मैं कहता हूं है एक तरीका, और वो है भक्ति और दान। भक्ति तो आप लोग कर ही रहे हैं, मगर सबसे बड़ा पुण्य है दान। दान दान करो उन गरीबों, अभंगों और विधवाओं के लिए जिनके लिए हमने देश भर में संस्थाएं शुरू की हैं। बाहर गरीब को कुछ रुपए देने से कुछ नहीं होने वाला, उसके भविष्य के बारे में सोचो और इस भगवान के मंदिर में दान करो, ताकि सीधा बेबस और लाचारों के मुख में जाए। दान करो ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो सब धुल जाएं। दान करो कि मरने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिले। दान करो कि आपको जिंदगी और मौत के इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। दान करो, दान करो अपने दोनों हाथों से, पैसे गहने जो भी हैं दान कर दो, दान कर दो, बस दान करो। आइए भगवान मिले। जी हाँ मिले। अच्छा भक्तों सुना आपने, हम बरसों से आओ भगवान के गीत गा रहे हैं। भगवान आए इस आश्रम में, हमसे नहीं मिले, इनसे मिलने के लिए आए। जवाब लाए? जी भगवान ने कहा है जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा हाँ। सुना आप लोगों ने, मैंने इससे छोटी सी परीक्षा ली थी, उसमें भी असफल रहा। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम ढोंगी हो। ढोंगी? जी ढोंगी मैं नहीं, आप हैं। What? तुम्हारे ये मजाक। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, भगवान ने कहा है, और भगवान ने ये भी कहा है अगर आपको पैसों का इतना ही शौक है तो कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते? बेचारे भक्तों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जाओ बस, बहुत हो गए, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लो। आज जो हमारे साथ बेइज्जती हुई है ना, उसका दावा हम अदालत में करेंगे। तुम लोग सब मेरे साथ में हो ना भक्तों?
अब देखते हैं कैसे बचाता है भगवान उसे अदालत में। आप स्वामी जी को समझाइए ना पापा, वो क्यों अमर के पीछे पड़े हुए हैं? उसके साथ साथ कहीं तुम्हारा दिमाग भी तो खराब नहीं हो गया? शायद। सच्चाई के लिए लड़ने वालों को लोग हमेशा पागल कहते आए हैं। अगर इतना ही भरोसा है उसकी और अपनी सच्चाई पर तो मुंह लटका क्यों खड़ी हो? इसलिए पापा कि आप भी बाहर के दिखावे में आ जाते हैं। मैं तुमसे फालतू की बहस नहीं करना चाहता। तुम जाओ अपने कमरे में और उस पागल को मिलने के लिए इस घर से कदम बाहर मत रखना। जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ। सुना, पर यकीन नहीं आया पापा कि आप भी ये कह सकते हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा, तब तक अमर से नहीं मिलूंगी जब तक आप कहोगे कि अमर नहीं बल्कि दुनिया पागल है। और वो दिन आएगा, जरूर आएगा पापा, आप खुद मुझे कहोगे। मुझे लग रहा है हमारी खुशी में ये सावन भी शामिल हुआ, तो अंबर से बरसी घटा, तो अंबर से बरसी घटा। लग रहा है हमारी खुशी में ये सावन भी शामिल हुआ, तो अंबर से बरसी घटा, तो अंबर से बरसी घटा। तसल्ली मुझे दूर से न दो तुम तसल्ली
कई बार पहले ये बरसात था सावन, कई बार पहले ये बरसात था सावन, इस बार क्या हो गया जो बूंदों से छलका नशा, जो बूंदों से छलका नशा। मुझे लग रहा है हमारी खुशी में, मुझे लग रहा है हमारी खुशी में, ये सावन भी शामिल हुआ तो अंबर से बढ़ती घटा, तो अंबर से बढ़ती घटा, तो अंबर से बढ़ती घटा, तो अंबर से बढ़ती घटा। पूजा, पूजा, पूजा मैं बाहर जा रहा, अपना ख्याल रखना। हेलो अंकल। अरे आओ विवेक भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। मैंने पूजा को अमर से मिलने के लिए मना कर दिया, उसका मूड खराब हो गया। तुम जाके उसे चेयर अप कर दो। ओके okay, पर वह है कहाँ? अपने बेडरूम में। ओके okay. जाओ। हाय पूजा, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अरे आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हो, यू लुक सो प्रिटी। मैं आपको सुंदर दिखाई देती हूँ? बहुत, पहले से कहीं ज्यादा। प्रिटी लग रही हूँ? इतना कि बयान करना मुश्किल है। मेरी आंखें लाल नहीं लग रही है तुम्हें? उससे तो आपके चेहरे पे और भी निखार आ गया है। तुम्हें पता है आंखें कब लाल होती है? ऑफ कोर्स, जब कोई रो रहा हो या गुस्से में हो। और फिर भी आप इतनी देर से यहाँ खड़े हैं? क्यों? Just get out of my room. लेकिन मैं तो। Please चले जाइए यहाँ से। Okay, I'm going. Ooh, I'm going. भी पहुंच गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विवेक सुनो तो। मेरे घर में आके मेरे मेहमान को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? This is just too much. Okay. तुम भी जाओ। लेकिन Please leave me alone. Go. I say go. I'm sorry, Amar. जाओं किधर में अब हर डगर में बिखरी ये तन्हाइयां हैं, मैं जी रहा हूं जिनके सहारे यादों की परछाइयां हैं, वरना बचा है सब कुछ मेरा लुटा है, यूं ही कभी कुछ मिल गया है, कुछ खो गया
जिंदगी में। तो इस बात की नौबत यहां तक आई गई है। मैंने तो तुम्हें पहले फोन किया था और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है तुम्हारा रेजिग्नेशन लाने के लिए। 3 दिन की जरूरत नहीं है सर, मेरा इस्तीफा। ओ, जरूरत तो तब पड़ेगी जब दीवानगी तुम्हारे सर से उतरेगी और नौकरी के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा। अमर, ऐसी नौकरी और ऐसी कंपनी बार बार नहीं मिला करती। नो अमर, नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी और अब मुझे तुम्हारा कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। जहां पे मैं खड़ा हूं ना सर, वहां से तो मुझे इस दुनिया का फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा। रही बात इस कंपनी की, तो इससे मुझे बड़ा लगाव है, मगर फिर भी सर, ये कंपनी दुनिया के आखिरी कोने पर तो नहीं है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने से छोटा समझकर माफ कर देना। थैंक यू सर। क्या बात है दोस्त, आज कुछ खा नहीं रहे हो? आज कुछ मूड नहीं है। अरे यार, आज तो तुम्हें मूड में होना चाहिए था। देखो अब तुम्हें ये केबिन भी छोड़ने की जरूरत नहीं। क्यों दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो यार, हम क्या इतने गए गुजरे हैं? मजाक कर रहा हूँ यार, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? वैसे मैं तुम्हें मिस बहुत कर रहा हूँ। मैं भी, आई एम सॉरी अमर। नहीं दोस्त, इतनी छोटी बातों की फिक्र नहीं करते। चले, दुआ करता हूं तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। दोस्त, जब तुम शाम को घर जाने के लिए बस स्टॉप पे रुकते हो ना, तो अगर एक बस नहीं मिलती तो दूसरी मिल जाती है, दूसरी नहीं मिलती तो तीसरी मिल जाती है, लेकिन आखिर मिल ही जाती है और तुम घर पहुंच ही जाते हो। मैं भी पहुंच जाऊंगा। बड़ी ऊंची बातें करने लगे हो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मैं घर बस से नहीं टैक्सी से जाता हूं। आप भी मुझ पर हंस रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था ये काम मेरे पास का नहीं। वैसे आप हैं कहां? कुछ दिनों से मिले नहीं। जानते हो आजकल हर पल इसी इंतजार में बीत जाता है कि कब आप आएंगे और कब आपके साथ मिल बैठ के बातें करूंगा। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। इस बात का गम नहीं है कि मेरी नौकरी चली गई या पूजा मुझसे रूठ गई, लेकिन इस बात का बहुत गम है कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। आपने मुझ पर इतना भरोसा रखा और मैं I'm sorry. Sorry. इन सब गवाहियों से साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मिस्टर अमर ने खुलेआम सब लोगों के सामने स्वामी जी को पाखंडी कहा और उन पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को ठग रहे हैं। स्वामी, वो आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी लोक कल्याण और प्रभु भक्ति में बिता दी। स्वामी जी, वो हस्ती जिनके सामने बड़े बड़े लोग सर झुका देते हैं, उस आदमी को अमर ने भरी सभा में बेइज्जत किया, उनके नाम पर कीचड़ उछाला। स्वामी जी का अपमान उनके सब भक्तों का अपमान है योर ऑनर, हम सब का अपमान है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें इनका नाम लौटाइए, स्वाभिमान लौटाइए योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अमर, प्लीज अप्रोच द बेंच।
मिस्टर अमर, मैं आपसे फिर कहता हूं, एक वकील कर लीजिए। मुझे वकील की जरूरत नहीं है योर ऑनर। देखो, ये कानून के दाव पेच बहुत पेचीदा होते हैं, तुम उलझ जाओगे। तुम्हारा इस वक्त अकेला होना ठीक नहीं। मैं अकेला नहीं हूं सर, मैं अकेला नहीं हूं ना। ठीक है, तो मिस्टर अमर, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? यही योर ऑनर कि जो कुछ वकील साहब और गवाहों ने कहा है वो बिल्कुल सच है। डिड यू हियर दैट योर ऑनर? आई हर्ड दैट मिस्टर मगन। यस योर ऑनर, मैंने स्वामी जी से कहा कि वो पाखंडी हैं और लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, भगवान ने मुझसे कहा सो मैंने उन्हें जाके कह दिया। मिस्टर अमर, तुम जानते हो कि तुम्हारी बातों पर यकीन करना कितना मुश्किल है। इस अदालत को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, और इनके भगवान सबके सामने तो आते नहीं है ना। मिस्टर मगन, एक्सट्रीमली सॉरी। योर ऑनर, मेरा एक ही गवाह है, उसे मैं पेश करना चाहता हूं। कौन है वो? भगवान। मिस्टर अमर, अगर ये मजाक है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। योर ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा एक ही गवाह है भगवान, और मैं उन्हें पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, ये अगर कोर्ट का मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है? हैं? क्या हम सारा दिन भगवान के इंतजार में बैठे रहेंगे? मिस्टर अमर, योर ऑनर, मैं कोर्ट का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं जानता हूं मुझ पे यकीन करना कितना मुश्किल है, मगर योर ऑनर, अगर आप भी उनसे एक बार मिल लेते तो पता चलता उनका कहना न मानना कितना मुश्किल है। मुझे और कुछ नहीं कहना योर ऑनर। इस अदालत को मिस्टर अमर की दिमागी हालत चिंताजनक नजर आती है। इससे पहले के फैसला सुनाया जाए, मिस्टर अमर के केस को कोर्ट डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट के हवाले किया जाता है। उनकी रिपोर्ट मिलने तक यह केस मुलतवी किया जाता है। अभी कुछ नहीं पता चला, जज ने उसे साइकाट्रिस्ट के पास भेजा है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो पागल है या नहीं। Thank you.
इंसान खतरनाक है। आपने गवाहों से सुना उसने किस तरह डॉक्टर पे हमला किया जब उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें मिस्टर अमर को शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ा। मेरे ख्याल से और कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस केस में। ये आदमी समाज में खुलेआम घूमने फिरने के काबिल बिल्कुल नहीं है। इसे कम से कम 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अमर, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं कहना। माय गॉड, जिंदगी भर मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा। दिस इज इनक्रेडिबल। लेकिन जो सबूत मेरे सामने आए हैं उनके आधार पर मुझे फैसला तो करना पड़ेगा। अरे कोई है? Thank you.
अरे आप आ गए, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। तुमने दिल से पुकारा, कैसे नहीं आता? क्या यही तुम्हारे भगवान हैं? आप देख सकते हैं इन्हें। स्वामी जी आप भी देख सकते हैं, वकील साहब, दोस्त, आपको सब देख सकते हैं। अरे यही तो है मेरे भगवान, आपको सब देख सकते हैं। थैंक यू। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है यकीन करना कि मैं हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो सुबह शाम मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, दिल से नहीं, यही विश्वास दिलाने के लिए मैं अमर से मिला, एक सच्चे और नेक इंसान से मिला। लेकिन तुम लोगों ने उसकी क्या हालत बना दी है, अपने अपने स्वार्थ के लिए इसे पागलखाने भेज रहे हो। सच पूछो तो पागल मैं हूं, यह सारे दुनिया बनाकर तुम्हारे हवाले कर दी, इसे चलाने के लिए तुम्हें दिमाग दिया, दिल दिया, बुद्धि दी, ताकि तुम इसे और भी खूबसूरत बना सको। लेकिन तुमने क्या किया, चारों तरफ समस्याएं खड़ी कर दी, मेरा नाम लेकर अलग अलग मजहब बना डाले और मजहब का नाम लेकर दंगे फसाद लड़ाइयां शुरू कर दी, एक दूसरे की तबाही पर तुल गए। अब यह तबाही घर घर के आंगन में पहुंच चुकी है, चारों तरफ फरेब, छल, कपट और धोखा। जानते हो तुम लोग जब एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हो तो चोट किसे लगती है? चोट लगती है मुझे, और यह चोट खा खा कर मैं थक गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। इसलिए कहता हूं अब भी सुधर जाओ, वक्त है, अब भी वक्त है, सोचो, समझो और समझ जाओ, और दिल में प्यार जगाओ, और फिर देखो प्यार से ये समस्याएं कितनी आसानी से हल होती हैं। अब मैं जा रहा हूं, अब तुम ये फैसला करो, तुमने क्या देखा, जो देखा वो सही था या तुम्हारे मन का भ्रम था? मैं हूं या हूं ही नहीं, यह सचमुच तुम्हारे ही दिल की आवाज हूं। काश हम सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी योरना, मेरे पास टेप रिकॉर्डर है सर, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ब्रिंग इट हियर, इधर लाओ जल्दी। लेट। अरे आप आ गए, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। क्या यही तुम्हारे भगवान है? आप देख सकते हैं इन्हें। सबकी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। योर ऑनर, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। थैंक यू। लेकिन हमने आज जो देखा है और सुना है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि जो कुछ मिस्टर अमर ने कहा वो सच है, वो हकीकत है। इसलिए मैं ये केस डिसमिस करता हूं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए अगर स्वामी जी चाहें तो ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नहीं नहीं योर ऑनर, हमने हमने सबसे ऊपर वाली अदालत का फैसला तो सुन लिया है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। गुड, द केस इज डिसमिस्ड। अमर,
तुम्हारे इस चमत्कार ने मुझे दिखला दिया है कि मैं कितना पापी इंसान हूं। मैं अब सच्चे दिल से तपस्या करूंगा ताकि एक दिन जैसे भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए वैसे मुझे दे दें। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं। मैंने तुम पे जो पाप किए हैं मुझे उसके लिए माफ कर देना। नहीं, माफ कर देना। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैंने अभी तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एमडी को नहीं दिया है। उम्मीद करता हूं कल से तुम ऑफिस आ जाओगे। जरूर सर। आज हाथ नहीं मिलाओगे क्या? नहीं। थैंक यू। वो भगवान का कार्ड, वो विजिटिंग कार्ड तुम्हारे पास अभी तक है तो मैं आज लेना चाहूंगी। थैंक यू। और हाँ, और अगर भगवान तुमसे अब फिर मिलने आए तो मेरे पास मत आना, मुझे फोन कर देना, मैं खुद चली आऊंगी। जरूर। बाय। थैंक यू। प्यार में इतनी शक्ति होती है वो मुझे आज समझ आई। पूजा, जिससे मैं ना समझ और नादान समझता था, इंसान और सच्चाई को पहचानने में उसे कहीं आगे निकली। अमर, पूजा और मेरा घर तुम्हारा इंतजार करेगा। जी हाँ। थैंक यू। दोस्त, मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दिया होगा। पापा तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और मैं आश्रम में स्कूल खोलने जा रहा हूं। ओके ओके। और हाँ, पूजा बहन और तुम्हारी शादी में मुझे शरीक होने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। जरूर। थैंक यू। टेक केयर। दोस्त, एक अरसे से मैं तुम्हें कहता आ रहा हूं कि दुनिया को मेरी नजरों से देखो। लेकिन आज तुमने जो मुझे दिखाया उसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं, भगवान कसम, मैं खाना पीना सब कुछ भूल गया था। कितना अजीब सा लग रहा है। तो मैं ये दुनिया आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है क्यों? मगर एक अजीब सी शांति है क्यों? हाँ, अच्छा चलो। नहीं, तुम चलो। हाँ? मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ओके। आ जाओ अमर, आ जाओ। अरे आप, मैं आपका इंतजार कोर्ट में कर रहा था। और मैं यहां खड़ा हूं। थैंक यू। आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज तो नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कोर्ट में बुलाया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए वहां नहीं बुलाया था। मैं जानता हूं, मैं खुद वहां आना चाहता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तुमने सब कुछ किया। वो पाखंडी स्वामी सुधर गया, उसका बेटा भी सही रास्ते पर आ गया, दूसरे लोगों पर भी असर पड़ा। वो समझ गए कि दुनिया में दोस्ती और प्यार से ही सुख मिल सकता है। हम दोनों ने मिलकर बीज बोया, फल तो जरूर निकलेंगे। अब मेरा काम हो गया इसलिए अब मैं जाता हूं। अब कब मिलेंगे आप? अब नहीं मिलूंगा। क्या मतलब? अब मेरी यहां जरूरत नहीं। मुझे है, मुझे है। मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। लेकिन यूं ही आते जाते यूं ही कभी मिल लेना। अब नहीं, बात ही कर लेना मुझसे। बात अब तुम करोगे, मैं सुनूंगा। जब चाहे मुझसे बात करो, मैं सबकी सुनता हूं। चलो। हमेशा तुम्हारी जीत हो। मैं यही था, मैं तो यही हूं।
तू अपने दिल में तुमको हो गया जिंदगी में।